नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही तगड़ा बनता हुआ घर के लिए जो काम किया जा रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। इस घर का फ्रंट एलिवेशन में बहुत अच्छा काम किया गया है जो कि बिल्कुल उस साइड में है, उसको दिखाऊँगा। लेकिन पहले मैं आप लोग को इस घर के लिए साइज़ जो है इसके बारे में बताऊँगा, बैक भी दिखाऊँगा, फिर साइड भी दिखाऊँगा, फिर मैं आप लोग को फ्रंट व्यू की तरफ ले जाकर दिखाऊँगा कि किस तरीके से घर का काम को किया जा रहा है। तो अगर आप भी अपने बनने वाला घर के लिए प्लानिंग कर रहे या फिर बना रहे तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर के लिए साइज़। तो इस घर को 40 फीट बाई 30 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। हालांकि घर के साइड की तरफ और पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, पीछे की तरफ जगह छोड़ा हुआ है, इसलिए आप देख पा रहे हो कि सिंपल वे में बालकनी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में ये तीन जो बिग डिज़ाइन है वो बिल्कुल घर के चारों तरफ से लगाया गया है। आप ऊपर तले में भी देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से 3 से 4 बिट बिल्कुल चारों तरफ से इस घर के लिए काम में लाया जा रहा है। तो बैक भी तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इस घर के लिए काम किया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं फ्रंट की तरफ और देखते हैं कि आखिर घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है। बीट के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ सकते हैं, लगभग 6 से 7 इंच के आसपास तक में यह पहला बीट का चौड़ाई है। उसके बाद फिर 3 इंच के आसपास तक का 2 बीट यहाँ पे लिया गया है। थोड़ा जूम करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से इसका काम है वो किया गया है। तो बीट ये जो आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल चारों तरफ से है। अगर आप चाहो तो इस बीट को लिंटल बीम का जो ऊंचाई होता है आप यहाँ पे भी रख सकते हो या फिर छत ढलाई के थोड़ा सा नीचे भी आप रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से बीट डिज़ाइन आप घर में बनवाते हो, डिफरेंट कलर का यहाँ पे अगर आप पेंट कर देते हो तो आपको कई गुना तक जो इसका लुक है वो बढ़ा हुआ नज़र आता है। तो इस तरीके से इस घर के लिए काम है वो किया जा रहा है, साइड व्यू और उसके साथ साथ बैक व्यू में। दोस्तों चलेंगे फ्रंट व्यू की तरफ, लेकिन जो इस घर के लिए साइड व्यू है थोड़ा सा यहाँ पे भी आप नज़र डाल सकते हो। जो भी इस घर के लिए विंडो है इसे बिल्कुल सिंपल वे में रखा गया है, जैसे कि नीचे का भी विंडो आप देख पा रहे हो और साइड का भी विंडो आप इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ में ये जो बीट का काम है वो बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ ऊपर वाला तला में जो पैरापेट वाल का काम किया गया है उस पर भी गौर कीजिएगा। तो ऊपर वाला जो रद्दा है कुछ इस तरीके से एक बीट का डिज़ाइन यहाँ पर दिया जा रहा है। इस तरीके से बीट का डिज़ाइन जो काम किया जा रहा है ब्रिकवर के द्वारा किया जा रहा है, ईंट का जुड़ाई करते हुए प्लास्टर के बाद आपको यहाँ पे भी एक बीट है वो नज़र आने लगता है। तो कुछ इस तरीका से इस घर के लिए साइड व्यू को रखा गया है। चलिए फ्रंट व्यू मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल वहाँ से जाकर, जिससे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत सारा आइडियाज़ लगने वाला है। दोस्तों थोड़ा सा इस घर के लिए आप कॉर्नर व्यू भी देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। यहाँ पे हो गया इस घर के लिए पार्किंग एरिया ये कॉर्नर पे। इसके साथ साथ ऊपर वाला हिस्सा में कुछ इस तरीके से बीट का डिज़ाइन इधर भी कंटिन्यू रखा गया है। उसके साथ साथ ऊपर वाला तला है यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि बीट का डिज़ाइन इस तरीके से कंटिन्यू रखा गया। उसके साथ पैरापेट वाल का भी जो काम है कुछ इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। फ्रंट एलिवेशन में काफ़ी अच्छा पैरापेट वाल का काम किया जा रहा है। चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ और दिखा देता हूँ डिफरेंट एंगल से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इस घर के फ्रंट एलिवेशन में काम किया जा रहा है। यहाँ पे पार्किंग हो गया, यहाँ पे मेन एंट्रेंस गेट हो गया, यहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम बना सकते हो, सीढ़ी बना सकते हो, इसके साथ साथ किचन बना सकते हो। आपका जिस तरीके से चौड़ाई होगा उसके अनुसार आप इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हो। उसके साथ ये बीट का डिज़ाइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ खाली जगह है जिससे आप बालकनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि वो डिज़ाइन को यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। रेलिंग का काम भी आप यहाँ पे करवा सकते हो अगर आपका चौड़ाई ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका जो घर का काम किया गया है लगभग 30 फीट के आसपास तक में चौड़ाई यहाँ पे रखा गया है, लेकिन मान लीजिए इधर और आपको चौड़ाई बढ़ाना पड़ गया लगभग 40 फीट के आसपास तक में आपका जगह है, तो आप इजिली ये जो ऊपर वाला हिस्सा या फिर नीचे वाला जो हिस्सा है जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। जैसे ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हो इसको थोड़ा और आप आगे तक ले जा सकते हो, उसके बाद फिर वहाँ से पीछे की तरफ आप ले जा सकते हो। तो ये जो आप डिज़ाइन देख पा रहे हो इस तरीके से जो आया हुआ डिज़ाइन कुछ इस तरीके से, उसके बाद फिर ये और आगे की तरफ जाते हुए यहाँ से वो मुड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो लंबाई होगा आपका घर के लिए जो चौड़ाई होगा उसको एडजस्ट करते हुए आप अपने घर का काम को करवा सकते हो। चौड़ा ज़्यादा होता है तो फिर यहाँ पे जो आपका बालकनी होगा उसका साइज यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, ये बिल्कुल आगे की तरफ जाते हुए फिर बीट का डिज़ाइन साइड की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से इस घर के लिए फ्रंट एलिवेशन का काम आप
देख पा रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे भी आप देखते हो तो पैरापेट वाल के लिए सिर्फ 5 इंची का जो दीवाल का काम है वो किया गया है, 5 इंची का यहाँ पे चौड़ाई का काम किया गया, फिर यहाँ पे बीट का डिज़ाइन लिया गया ब्रिकवर्क के द्वारा ही, फिर ऊपर में कुछ इस तरीके से पैरापेट वाल के रूप में यहाँ पे बीट का डिज़ाइन है वो लिया गया। थोड़ा जूम जूम करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा। अगर आपको झंडा लगाना होगा तो इस तरीके से छत को ढलाई के समय में आप इस तरीके से बाहर निकालते हुए यहाँ पे गोलाकार इस तरीके से डिज़ाइनिंग करवा सकते हो, यहाँ पे झंडा वगैरह इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया गया है मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा। आपको ये बनता हुआ घर का काम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आपको इस घर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जा सके, इसलिए मैंने आप लोग को इस घर के लिए बैक व्यू को दिखाया, साइड व्यू को दिखाया, फ्रंट व्यू को दिखाया, सारा ये जो भी काम किया गया इसके बारे में बताया कि किस तरीके से आपको काम करवाना है। अगर आप इसी डिज़ाइन को किसी और साइज़ में बनवाना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करते हुए इस घर जैसा आप नक्शा बनवा सकते हो। हालाँकि बहुत सारा मैंने नक्शा बनाया हुआ है जिसका काम अभी चल रहा है, बहुत सारा घर कम्प्लीट भी हो चुका है। अगर आप भी मुझसे नक्शा बनवाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जब इस घर का काम हो जाएगा कलर तक तो फिर से वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया, किस तरीके से कंप्लीट किया गया। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।